हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बने शंखचूल महादेव के मंदिर को एक खास देव स्थान के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि घर से भागकर अपने प्रेम की कहानी को पूरा करने के लिए यहां आए लोगों की हिफाजत महादेव स्वयं करते हैं। अपने प्यार की कहानी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर छोड़कर निकले दुनिया भर के प्रेमियों को शिव के इस खास मंदिर में शरण मिल जाती है। भले ही घर से भागे ऐसे प्रेमियों को समाज में मदद ना मिल पाती हो, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर में महादेव खुद प्रेमी जोड़ों को आसरा और संरक्षण देते हैं। जो प्रेमी जोड़े घर से भागकर विवाह कर लेते हैं, उन्हें यहाँ शरण मिलती है। जब घर वाले आपके प्यार को ना समझें, उसका साथ ना दें, दुनिया वाले आपके प्यार पर उंगली उठाएं, पुलिस वाले आपको पल पल सताएं, तो आप कहीं पर ना जाएं, बस यहीं आ जाएं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो रहते हैं जिनसे हर पुलिस वाला डरता है। यहाँ की अदालत में पुलिस वालों के हाजिरी पर बैन है। यहाँ न्याय मांग रहे लोग अपनी पैरवी खुद ही करते हैं और उन्हें डराने धमकाने वाला कोई भी नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बने इस पुरातन शिव मंदिर को सारे देश में शंखचूल महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बने शंखचूल महादेव मंदिर का परिक्षेत्र करीब 100 बीघे जमीन में फैला हुआ है। माना जाता है कि जो भी प्रेमी जोड़े घर से भागकर इस मंदिर में शरण लेने आते हैं, महादेव खुद उनकी रक्षा करते हैं। मान लिया जाता है कि ऐसे प्रेमी जोड़े जब तक मंदिर की सीमा में हैं, उनको उनके परिजन कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब के साथ जब तक परिवार दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होता, तब तक मंदिर के पुजारी ही उनकी देखभाल करते हैं। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों से हजारों लोग हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ पर कुछ वक्त बिताया था। स्थानीय कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास में यहाँ रुके पांडवों का पीछा करते हुए कौरव भी यहाँ आ पहुँचे थे। इसी दौरान शंखचूल महादेव ने कौरवों को रोका था और ऐसा आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस मंदिर की शरण में आएगा, समाज उसका कुछ नहीं कर सकेगा। लोक कथाओं के अनुसार शिव के ऐसे उपदेश को सुनकर कौरव वहां से लौट गए और तभी से ये मान्यता है कि जिन लोगों को समाज ठुकरा देता है, उन्हें शरणार्थी बनाकर महादेव यहां उनकी रक्षा करते हैं। इस मंदिर में जब भी कोई प्रेमी जोड़ा घर से भागकर शरण लेने आता है, उसे यहां स्थान दिया जाता है। हालांकि मंदिर में प्रवेश के लिए काफी सख्त नियम भी बनाए गए हैं। जिस गांव में ये मंदिर है, वहां पुलिस को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा यहां पर शराब, हथियार और नशे के सामान का सेवन करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है।